The RTI Amendment Bill 2019 will be introduced in the Rajya Sabha today, 2 days after it was passed in the Lok Sabha, amid strong criticism from the opposition parties. Now, the bill introduces changes in the terms and conditions of appointment of the Chief Information Commissioner at the centre and the Information Commissioners in the state. The government has done away with the fixed tenure of 5 years for the Chief Information Commissioners and the Information Commissioners. In fact, their salaries too have been altered. RTI Amendment Bill 2019 एक enabling legislation है, bill streamline करने के लिए है, RTI Act को उसको institutionalize करने के लिए है। जहाँ तक मोदी सरकार का संबंध है, इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में RTI का portal स्थापित करके 2400 घंटे RTI उपलब्ध करवाया। देखिए, संसद को तानाशाही राज्यों में स्थापित करने का एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरटीआई का अमेंडमेंट आप लेके आ रहे हैं, आरटीआई कानून जो इस देश की जनता के लिए सूचना पाने का एक मजबूत हथियार था, उसको ख़त्म करने की आप कोशिश कर रहे हैं आरटीआई बिल के तहत। और इस बिल में राज्यों का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो फिर राज्य सरकारें भंग कर दो, ख़त्म कर दो, क्या ज़रूरत है उसकी। तमाम ऐसे संशोधन कर रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से आरटीआई एक्ट को खत्म करने की इनकी योजना है, जो इस देश की जनता के हाथों में एक मजबूत हथियार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि आरटीआई कमजोर कर दिया जाए। आरटीआई के जवाब नहीं आ रहे हैं। आरटीआई कमजोर इसलिए करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अपने पापों को छुपाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और आरटीआई देश की 125 करोड़ जनता के लिए बना हुआ एक